तो गाइस यार एक चीज तो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कि प्लेन्स बनाने का और बना के उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ यार कि आप में से काफी लोगों को ऐसा लगता है यार कि प्लेन बनाना कोई बहुत बड़ी बात है या फिर प्लेन बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए होती है। तो गाइस ऐसा नहीं है यार, ये इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। जब मैं बना सकता हूँ तो आप तो डेफिनेटली प्लेन्स बना लेंगे और बना के उड़ा भी लेंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हमने भी बनाया है एक बहुत ही कमाल का आरसी ट्रेनर प्लेन। जी हाँ गाइस, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रोल द म्यूजिक। और गाइस यार यकीन मानोगे इस प्लेन को हमने कितने में बनाया है? तो गाइस यार इस पूरे प्लेन को बनाने की जो लागत है वो है सिर्फ 1000 रुपए। जी हाँ गाइस, अब सोचो यार कि 1000 रुपए में अगर अपन प्लेन बना ले और उसे उड़ा दे और क्या चाहिए। बताओ यार और क्या चाहिए? मुझे तो लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, मुझे इस वीडियो पे पूरे 5 लाख लाइक्स चाहिए। अभी तो मैं 1 मिलियन बोलने वाला था। इससे बड़ी बनाएंगे तो 1 मिलियन कर देना, ठीक है? अभी तो 5 लाख लाइक्स कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? कर देना याद से। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने इसे कैसे बनाया। तो गाइस यार इसे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल में ली है कोरोशीट, जिसे सनपैक भी बोलते हैं। वो काफी ज्यादा हल्की होती है इस वजह से, और साथ ही साथ हमने इसके अंदर इस्तेमाल में ली है 1000 केवी की ब्रशलेस मोटर, और जो प्रोपेलर है उनका साइज है 1042, और बैटरी हमने इसमें 2200 mAh की ली है, और साथ ही साथ 30 एम्पीयर की ESC और 2 सर्वोस का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। और गाइस यार जो इसकी बॉडी है फ्यूजलेस, इसकी जो लंबाई है वो है 33 इंचेस, और जो विंग्स हैं उसकी चौड़ाई है 48 इंचेस और चौड़ाई है 9 इंचेस। और गाइस यार इसके अंदर हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर भी लगाए हैं, आप देख सकते हैं। इसी पार्ट को ये बोलते हैं, जो ये टर्म बोली है ना मैंने अभी, इसी पार्ट को बोलते हैं। प्लेन को घुमाने के लिए रडर है और ऊपर नीचे करने के लिए एलिवेटर्स हैं। तो गाइस यार उसके साथ में एक और चीज़ है कि मैं एक बहुत ही बुरा पायलट हूँ। हाँ गाइस, मुझे इतना ज़्यादा प्लेन्स उड़ाने नहीं आते हैं लेकिन फिर भी उड़ाएंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवा कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। हम जहाँ पे रहते हैं वो एक गांव, और यहाँ चलती है मस्त हवाएं, जो कि हमारे इस छोटे प्लेन के लिए थोड़ी सी काफ़ी दिक्कत की बात हो सकती है। तो मुझे डेफिनेटली इस बात पर पूरा विश्वास है कि मैं एक न एक बार इस प्लेन को क्रैश जरूर करूँगा। दुआ करना कि ना करो, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं कर दूंगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमने इसके विंग को काफ़ी एयरफॉइल शेप दिया है, और इसके अंदर हमने मॉन्स्टर टायर लगाए हैं एक गाड़ी से खोल के, ठीक है? तो गाइस यार चलो इसे फटाफट से उड़ाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस यार यहाँ पर हमने 2 प्लेन बनाए हैं, एक को यार इस फुल तेज हवा के अंदर ही उड़ा के देखते हैं, टूटेगा तो टूटेगा, बाकी आप देख सकते हैं कि मैं पहले इसके कंट्रोल्स चेक कर लेता हूँ कि सारे काम कर रहे हैं या फिर नहीं। रडर भी काम कर रहा है, एलिवेटर भी काम कर रहा है। बस दिक्कत ये है वो बहुत तेज है भाई, कुछ भी हो सकता है, हमारा प्लेन कहीं पे भी क्रैश हो सकता है। मोटर भी चेक कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि काफी तेज इसका थ्रस्ट है। और साथ ही साथ हमने इस प्लेन को जब बनाया तब इसका जो वजन है वो था 1 kg, बैटरी टायर वायर सब लगाने के बाद सिर्फ 1 kg। अब सोचो कि हमने इसे कितना ज्यादा हल्का बनाया है। तो चलो अभी इसे उड़ा के देखते हैं यार। और यही रनवे है भाई हमारे पास, तो वैसे है ना स्मूथ रनवे पे उड़ाना चाहिए, लेकिन यही रनवे खड्डे वड्डे हैं बहुत सारे, कुछ भी हो सकता है। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, फटाफट से उड़ाते हैं। मोटर आ गई बाहर। तो गाइस यार आज मैंने 2 सबक सीखे। पहला तो ये कि कभी भी अपने प्लेन को अगर ज़्यादा हवा चल रही हो तो वहाँ पे ना उड़ाए, और साथ ही साथ दूसरा ये कि कभी भी अपने प्लेन को ऐसी जगह पर ना उड़ाए जहाँ पे स्पेस ना हो, हमेशा प्लेन को ऐसी खुली जगह में ही उड़ाना चाहिए वरना वो क्रैश कर जाएगा।
तो गाइस एक और प्लेन है। गाइस देखो प्लेन में कोई भी कमी नहीं है, ये लिफ्ट भी ले रहा है, उड़ रहा है, प्लेन में कोई भी नहीं है, मतलब प्लेन में कोई भी कमी नहीं है, कमी है पायलट में और साथ ही साथ हवा की वजह से। क्या करें अब देखो यार, एक तो बनाया ना तो रहा नहीं जा रहा, भले हवा तेज चल रही है लेकिन उड़ाएंगे, होगा तो होगा क्रेश देखा जाएगा, हम तो उड़ाएंगे। मोटर माउंट टूट चुका है। बाकी गाइस आप देख सकते हैं प्लेन काफी हद तक सही सलामत है, मोटर उखड़ गई है और टायर भी थोड़े से भाके हो गए हैं, क्योंकि आप देखा हमारी प्लेन ने फ्लाइट भी ली और इस बुरे पायलट ने प्लेन को क्रैश भी किया। देखो यार मेरी भी गलती नहीं थी, इस बार हवा बहुत तेज है और इसने हमारे प्लेन को ही तिरछा कर दिया, पर उड़ा तो था, पर उड़ा, मजा आ गया। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि है ना, अपने प्लेन को भेजा ऐसी जगह पे उड़ाना चाहिए जहाँ पे स्पेस हो। आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेन जो है उस पेड़ के अंदर क्रैश हो गया, बाकी काफी हद तक हमने इसे हवा में उड़ाया और काफी मस्त उड़ रहा था इतनी तेज हवा चलने के बाद भी। तो गाइस यार आई होप आप भी अपना प्लेन बनाएंगे, उसे हवा में नहीं उड़ाएंगे, साथ साथ खुली जगह पे उड़ाएंगे, आपको मजा आएगा और जब तक आप बनाएंगे आप सीखेंगे तब तक आपका भाई भी पायलटिंग सीख जाएगा और फिर प्लेन ऐसे उड़ेगा, मेरा प्लेन, बाय बाय, जय जय महाराज। साथ मत उड़ा, नहीं उड़ाऊंगा, सीख रहा हूँ।